أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم محترم ناظرين آج کا ہمارا درس सातवा درس है और hi HI1 HI1 अभी तक हमारी जो गुफ्तगु हुई और कल मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि आप सब गिनिए और उसूल दीन अपने सामने गिन के लिखिए और हमें ये मालूम हो कि हम हमारे सामने एक रोड मैप हो कि हम कहाँ थे कहाँ पहुंच चुके हैं और कहाँ तक जाना है हमारी जो आज की गुफ्तु है आपके सामने वो है नबुवत की बहस यानी जब हमने खुदा वंद आलम को दीन को तमाम चीजों को समझ लिया जान लिया अलबत्त इस इस पूरे लेक्चर्स की सीरीज में नए कि हमने सब कुछ जान लिया लेकिन यह है कि हद काफी नहीं हो पाया लेकिन फिर भी हम सबको ये मालूम हो गया कि हमें किस तरीके से पहचानना है किस तरीके से जो है उसकी इबादत करना है क्या सिफात अल्लाह की हमें जानना है ये तमाम चीजें जब हमारे लिए वाजे हो गई तो अब खुद खुद खुदा वंदे आलम की गुफ्तु के बारे में जब बात खत्म होती है तो खुदा शनासी के बाद पैगंबर शनासी और रहनुमा शनासी की बात शुरू होती है कि क्या खुदा वंदे आलम ने अब देखिए आज के दर्ज का अहम तरीन सवाल क्या है आज के दर्ज का अहम तरीन सवाल ये है कि क्या खुदा आलम ने बशर की हिदायत के लिए कोई इंतजाम किया है यह सवाल है और इन इसका जवाब इस दर्स में हमें और आपको ढूंढना है कि क्या खुदा आलम ने कोई हिदायत का इंतजाम किया है या इस सवाल को यूं भी कह सकते हैं कि ये जो आप बार बार दीन दीन कह रहे हैं तो क्या खुदा आलम ने या खुदा आलम ने कौन सा ऐसा रास्ता इख्तियार किया है कि जिसके जरिए दीन हम तक पहुंचा ये भी एक सवाल हो सकता है कि ये जो हमने कहा है दीन हमें अपनाना है कवानीन हमें अपनाना है ये जो रूल्स और रेगुलेशन हमें अपनाना है तो ये किस तरीके से हम तक आए ये रूल्स और रेगुलेशंस? रेगुलेशन सवाल हो गया हम तरीन, आज की बहस का और आ, इसका जब हम द, जवाब देंगे तो उससे पहले हमारी ज, जो तरीका है वो एक कुछ मुकदमा हम बयान करेंगे ताकि जहन में बात जो है बिल्कुल वाजह और क्लियर हो जाए देखिए खुद नबूवत जो है जो आज के बहस और आज के दर्स कानवान है नबूवत नबोवत खुद दो तरीकों से आ, आ, उसको उसके ऊपर हम लोग गुफ्तू कर सकते हैं पहला तरीका यह है कि खुद बेमान आम है बेमान खास है यानि नबोत खासा और नब आम यानी अगर हम सिर्फ ये गुफ्तु करें कि नबोवत का माना क्या है नबोवत की जरूरत क्या है नबोवत को हम किस तरह साबित करें ये तमाम गुफ्तगु आम गुफ्तगु है यानी हमें यहाँ पर फिलहाल किसी खास नबी का नाम लेकर उसकी नबोवत को साबित नहीं करना है लिहाजा हम जब खुद नबुवत को डिस्कस कर रहे हैं तो ऐसे कहेंगे आम माना और जब हम नबोवत को खास तरीके से डिस्कस करेंगे तो उसका माना है कि हम किसी नबी के बारे में गुफगु करें किसी खास पैगंबर की नबूवत को साबित करें मिसाल के तौर पर बिलफर्स मूसा की नबूवत को साबित वाक नबी थे या नहीं थे या हम रसूल अक्रम सम की खास नबूवत को साबित करना चाहें कि किस तरह वो नबी थे किन किन दलाइल की बिना पर तो ये सारी बातें जो है वो खा, नबोतें खासा में है वो नबूत की बहस आम है लिहाजा जो हमारे आज का जो डिस्कशन है वो तकरीबन गुफ्तु आम रहेगी यानी हमें फिलहाल खुद इस इस पोजिशन और इस डिजिग्नेशन को इस कैफियत नबूवत को इस मकाम नबूत को हमें समझना है कि नबी कौन है और नबूवत क्या है और फिर हम मुख्तलिफ मानों को समझते समझते इनशाला जो आज का हमारा अहम सवाल है उसका जवाब इनशा हमको मिल जाएगा तो अब अगर हम ये देखें कि खुदा वंदे आलम ने जो हम हमारे लिए सवाल ये था कि खुदा वंदे आलम ने क्या हमारे लिए कोई खास तरीका अपनाया है दीन को भेजने का क्या तरीका अपनाया है तो वो हमें जवाब आज के दर्स में ढूंढना है कि हिदायत का इंतजाम किस तरीके से हुआ है इस सिलसिले में सबसे पहले हम ये जान लें और यह समझ लें जिस तरह से पहले भी हमने कई मरतबा इस बात को दोहराया और तकरार किया कि इंसान यह पहले समझ ले कि इंसान जो है उसका इल्म महदूद है और वो अपने इल्म से सब कुछ नहीं समझ सकता यानी वो अपनी ही मालूम और अपनी ही अक्ल को इस्तेमाल करके हिदायत का रास्ता नहीं इंतखा कर सकता स और कमाल तक नहीं पहुंच सकता और यह जो इंसान के अंदर बात है कि इंसान समझ रहा है कि हमारा इल्म महदूद है और हम जो है खुद ब खुद चीजों को नहीं समझ सकते तो यह चीज इंसान के इल्म की कुछ खसूसियात को हमारे लिए बर्मला करती है क्या है वो खसूसियात इंसान यह समझ रहा है और इंसान ये पहचान रहा है कि हमारा जो इल्म है सबसे पहली चीज वो महदूद है दूसरी चीज ये हमारे इल्म कि हमारे इल्म में इंसान के ओलूम में बेपनाह गलतियां होती हैं कसीर तादाद में हम ये देखते हैं गलतियां होती हैं और क्या दलील है इन गलतियों की कि हमारे इल्म में गलतियां होती हैं दलील यह है कि हम रोजमर्रा अपने कवानीन को बदलते रहते हैं हर शख्स अपने हिसाब से जो है कोई ना कोई अपने तजुर्बे की बिना पर अपने मुशाहिदात की बिना पर कोई ना कोई, कोई बात कहता है इसी को तो हम कहते हैं तरक्की होना इल्म की यानी कल कुछ थे और आज हम एक लेवल आगे बढ़ गए हैं यानी कल जो हमारा इल्म था वो नाकिस था लिहाजा हमारा इल्म नाकिस है हमारे इल्म में गलतियां होती हैं महदूद है और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे इल्म में नहीं है वो ये है कि हम आइंदा को दकीक और यकीनी तौर पर नहीं बता सकते नहीं क्रेडिट कर सकते नहीं कह सकते कि कल क्या होने वाला है और यह इंसान की शहादत के लिए और इंसान के इल्म को कमाल तक पहुंचाने के लिए बहुत जरूरी है कि इंसान तमाम जवानब को मद्देनजर रखे जब ये तीन चार बातें हमारे लिए वाजे हो गई कि इल्म की यह खसूसियात होना चाहिए तो अब हम ये समझ रहे हैं कि अब हमें खुदा वंद आलम से जो हम दीन लेना चाह रहे हैं तो वो इस तरीके का हो वो खुदा ऐसा हो कि जो ये तमाम सिफात रखता हो और वो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखकर हमारे लिए कोई ना कोई इंतजाम जरूर करेगा जरूर जो है वो कोई ना कोई ऐसा इंतजाम करेगा कि जो हमारे इन नवाकस और नकायस को पूरा कर सकें वो चीजें और यहाँ पर एक बात अब आप सुनिए और इस पर तोजह करिए दिलचस्प को लिख लीजिएगा कि अब हम जब ये समझ रहे हैं और इस बात की जरूरत महसूस कर रहे हैं कि हमारे हमारे इल में हमारी दर्क और इधराक और हमारे आ, समझने और सोचने में इतनी इतनी ज्यादा कमियां हैं तो अब हम एक जरूरत को बयान करना चाह रहे हैं कि इंसान की जिंदगी में कितने किस्म की जरूरियात होती हैं मैंने अभी आपसे कहा कि ये मुकदमात हैं ये तमाम चीजें मैं आपके सामने रखूंगा और जब आखिर में नतीजा लेंगे तो देखिएगा कितना वाजहे हो जाता है बयान इंसान की जरूरियात की तीन तरीके कैफियात होती हैं यानी इंसान पहली चीज तो ये जरूरत कि इंसान जरूरत को समझ रहा है और अपनी उस जरूरत को पूरा करने का रास्ता भी जानता है यानी इंसान ये जानता है और जरूरत को महसूस कर रहा है कि मुझे प्यास लगी है और वो समझ रहा है कि मुझे पानी पीना है और उसको ये भी मालूम है कि हमारी टेबल पे हमारे फ्रिज में या किसी भी नहर से हम पानी पी सकते हैं कुएं से जाके तो उसको ये भी दो चीजें हो गई जरूरत का एहसास है और उस जरूरत को किस तरह पूरा किया जाए उसको ये भी मालूम है तो ये एक तरीके की कि एक किस्म की जरूरत हुई दूसरे किस्म की जरूरत यह है कि इंसान जरूरत तो महसूस कर रहा है लेकिन उसको यह नहीं मालूम कि हम अपनी जरूरत को किस तरीके से जो है पूरा करें तो इस बात को वाजे करने के लिए एक और मिसाल पेश करें यानी वो मिसाल के जो ये समझ में आए हमारी कि हमें जरूरत महसूस हो रही है लेकिन यह जरूरत कहां से पूरी हो यह नहीं समझ में आ रहा है तो उसकी बहुत वाजे मिसाल आजकल हम सबके हाथों में मोबाइल है हम सबके पास लैपटॉप्स हैं हम सबके पास कंप्यूटर्स हैं अब अगर हमारा मोबाइल खराब हो जाता है तो मिसाल के तौर पर हम अपने किसी भाई या दोस्त से कहते हैं कि भाई हमारे मोबाइल में खराबी है, उसको चेक कर लिए वो नहीं चेक कर पाता हम अपने पड़ोसी के पास जाते हैं वो नहीं चेक कर पाता हम अपने महल्ले की दुकान जाते हैं वो भी नहीं बता पाता हम ये तो समझ रहे हैं कि हमारा मोबाइल खराब है और इसको किसी असलाह करने वाले की जरूरत है कोई ऐसा आदमी हो कि जो इसको ठीक कर दे दोबारा चला दे हमारे इस इस मोबाइल की जो परेशानी है जो खामी है उसको दूर कर दे लेकिन ये नहीं समझ पा रहे किस रास्ते से लिहाजा अब हम दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं कभी इसके पास जा रहे हैं कभी उसके पास जा रहे हैं आखिर में हमें कोई अक्लमंद आदमी यह बता देता है कि आप बेहतर यह है कि किसी सर्विस सेंटर चले जाइए किसी ऐसी जगह चले जाइए कि जहां इस मोबाइल को बनाया गया हो जो इसका मैन्युफैक्चरर हो जो कंपनी है वो बखूबी जानते हैं कि इसको किस तरह ठीक करना है इंसान वहां जाता है और वहां उसको नतीजा मिल जाता है तो ये दूसरी कैफियत हो गई जरूरत की एक तीसरी भी सूरत हाल है जरूरत को लेकर वो क्या है वो ये है कि इंसान पहली सूरत हाल क्या हो गई कि इंसान जरूरत को समझता है और जरूरत पूरे करने के रास्ते को भी जानता है दूसरी मिसाल ये हो गई कि इंसान जरूरत को समझ रहा है लेकिन जरूरत को पूरे करने का रास्ता नहीं समझ पा रहा है तीसरी कैफियत यह है कि इंसान ना जरूरत को समझ पा रहा है और ना ही उसको रास्ता पता है किस तरह अपनी जरूरत को पूरा करे अगर बिलफर समझ भी गया अब इसकी मिसाल बात वाजे करने के लिए मैं यूं दे सकता हूं आप सब जो है सफर करते हैं आपने अपने घर से गाड़ी उठाई और अपनी कार में बैठे और किसी तुलानी सफर पे निकल गए और रास्ते में जो है वो आपको आपके दोस्त को भी पिक करना है खैर अब आप सफर पे चलते चले जा रहे हैं और बीच हाईवे पे आपको आपके दोस्त मिले आपने उनको बैठाया जैसे ही आपने उनको गाड़ी में बैठाया और चंद कदम आप थोड़ा सा आपने ड्राइव किया फौरन आपका दोस्त आपसे ये कहेगा रुको रुको भाई गाड़ी रोको फौरन क्यों क्या, क्या, क्या हुआ क्यों कहा रुके कहा मुझे कार की आवाज सुनकर और इसकी चलने की कैफियत महसूस करके समझ के ये महसूस हो रहा है कि आपकी कार में कुछ खराबी है और ये ज्यादा देर नहीं चल पाएगी खुदा ना खास्ता आगे जाके एक्सीडेंट हो सकता है खराबी हो सकती है बड़ी कोई पेचीदगी सामने आ सकती है तो आप अब जब अपने घर से निकले थे तो आपको जरूरत ही नहीं महसूस हुई कि कहीं आपकी कार खराब हो या कार को किसी मैकेनिक की जरूरत है आपके दोस्त ने आपको मुतवजह करवाया कि तुमको जरूरत है कि गाड़ी ठीक की जाए और मैं इस गाड़ी को ठीक कर सकता हूं चूंकि मैं मैकेनिक भी हूं बिलफर तो अब वो आपको जरूरत भी बता रहा है और जरूरत को पूरा करने का रास्ता भी बता रहा है तो ये तीन तरीके की कैफियात होंगी लिहाजा इंसान अक्सर ऐसा होता है और बहुत ऐसा होता है कि हम अपनी जिंदगियों में जरूरतों को बहुत कम ऐसी जरूरियात होती हैं जिनको हम समझ कर और उसके रास्ते को पूरा करने को भी जानते हो अक्सर जरूरत ऐसी होती है कि जो हम समझ रहे हैं कि जरूरत है लेकिन हमें उसका रास्ता नहीं मालूम कैसे जरूरत पूरी की जाए और बहुत सी ऐसी जरूरियात होती हैं कि जो हम ना समझ पाते हैं कि हमें जरूरत है और ना मिसाल के तौर पर अगर किसी का पैर खुदा ना खास्ता सुन हो जाए और उसमें जो है वो बेहिस हो जाए और उसमें जख्म हो जाए और खून बह रहा हो तो इंसान को खबर नहीं होती है कि खून बह रहा है ऐसा होता है नहीं होता है इंसान को खबर नहीं होती क्यों चूंकि बेहस हो गया है कभी इंसान बेहसी के आलम में जिंदगी बसर कर रहा होता है जरूरत यह होती है सामने वाला उसको यह बताया कि भाई अपने पैर की मरहम पट्टी मरहमपट्टी दारू करो खून बह रहा है तुम्हें नुकसान हो जाएगा तुम्हें बहुत बड़ा एक नुकसान लाक है तो ये जो चीज ये जो कैफियत होती है अक्सर इंसान की जिंदगी में आती है कि इंसान की बहुत सारी ऐसी जरूरियात होती हैं जो ना वो खुद समझ पा रहा होता है ना मुतवज होता है ना ही उसको रास्ता पता होता है अब यहां पर जब हम नबूवत की बात करते हैं देखिए अब ये वही नतीजा लेने वाली बात है जब हम नबूवत की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा ऐसी जरूरियात हैं जो खुद हम नहीं समझ सकते अपनी अकूल से चूंकि हमारा इल, मैंने पहले कह दिया महदूद है नाकस है गलतियों से भरा हुआ है हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है कहाँ-कहाँ से हम उसको पूरा करें लिहाजा हमें जरूरत है कि कोई हमें बताए कि तुम्हारी ये जरूरत इन तरीकों से पूरी होगी कि जो बेहतरीन तरीके होंगे कि जो सबसे ज्यादा कामिल तरीके होंगे और वो तरीके होंगे कि जो इलाही रास्ते होंगे लिहाजा अब हम ये नहीं कह सकते कि नहीं हमें ना कोई बताने वाला चाहिए और ना हमें जो है वो आ, कोई जरूरत बताए ना जरूरत का रास्ता बताए ये तो बिल्कुल आ, फिर से मैं मिसाल दूँ ऐसा हो गया ये मिसाल बिल्कुल उसी तरह से है आ, कि एक केजी क्लास का जो स्टूडेंट है वो अपनी क्लास पूरा करके निकले साल भर पढ़े वहां और उसने पूरी ए बी सी डी और 1 2 3 जो है वो नंबर्स सीख लिए हो और वो आके अब अपने मां-बाप से कहे कि अब हमको सब कुछ मालूम हो गया अब हम क्लास वन में नहीं जाएंगे अब हम पढ़ाई से हम मुस्तगनी हो गए हमारी अक्ल ने हमने सब कुछ पढ़ लिया वो माँ बाप की जो सब कुछ समझते हैं और जानते हैं बहुत ज्यादा पढ़े हैं उसकी नस्बत वो ये समझ रहे हैं वो हंसेंगे उसके ऊपर उसके इस इस बात को बचपना समझ के उसको समझाएंगे कि नहीं तुम्हें जरूरत है बिल्कुल कभी कभार ऐसा ही होता है इंसान अपनी तरक् को देख इतना ज्यादा मगरूर हो जाता है इतना ज्यादा उसके अंदर गुरूर आ जाता है कि हमने हार्ट ट्रांसप्लांट की टेक्निक सीख ली हमने मेडिकल साइंस में इतनी तरक्की कर ली हम तो चांद पे चले गए और हम इतने ज़्यादा अपने में जो है माहिर हो गए हमने न्यूक्लियर साइंस जो है वह इतनी डेवलप कर ली तो ये तमाम चीजें जो इंसान ये समझ रहा है कि हमने हाँ तरक्की है यकीन के जी क्लास के स्टूडेंट को पहले नहीं आती थी ए बी सी डी उसने सीख ली लेकिन ये कहना कि अब हम मुस्तगनी हो गए और हमको किसी बताने वाले की जरूरत नहीं है ऐसा नहीं है बल्कि उलमा से और वाकई जो स्कॉलर्स हैं जब उनसे पूछा जाता है तो वो यही कहते हुए नजर आते हैं कि जितना हमने पढ़ा है वो हमारे हमारी मालूम हमारी मजहूलत से बहुत कम है बहुत ज्यादा फर्क है एक कतरा जिस तरह से समंदर के सामने होता है यानि हमारी जो मालूम है बेानतहा कम है और इस कायनत और इस निजाम में शमसी और इस जहान में जो मालूम अभी कश्फ और करना है बेपना है बहुत ज्यादा है तो लिहाजा इंसान मगरूर ना हो और ये ना सोचे कि हमको जरूरत नहीं उसको जरूरत है और कतअअ वो ये समझ रहा है अब ये जो हम यहां तक बात लेकर आए हैं कि हमें ज़रूरत है और समझना है और यहीं से हम नतीजा लेंगे कि हम वाक ये जो हमारे अंदर ये तमाम चीजें जो खुद इंसान महसूस कर रहा है कि उसको जरूरत है तो वो किस रास्ते से पूरी हो रही हैं? वो रास्ता जो खुदा आलम ने हम सब के लिए रखा है कि हम खुदा वंदे आलम से दीन ले सकें और उस दीन पर अमल कर सकें तो उस रबित का नाम नबौवत है उस, उस सिलसिले को उस कनेक्शन का नाम नबूवत है जो किसी ऐसे इंसान ने कामिल के जरिए पूरा किया की, 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 की जाएगी खुदा आलम उसको पूरा करेगा कि जो हमारे लिए नमूने अमल हो लिहाजा ये जो हम सवाल करते हैं कि दीन हमें नबी की क्या जरूरत है नबी की इसीलिए जरूरत है कि सिर्फ जान लेना और अपनी इन फित्री आवाजों को सुन लेना ये काफी नहीं है बल्कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो इंसान खुद नहीं समझ सकता और जरूरत है इस बात की कि, कि कोई आकर उसको बताए कौन आकर बताएगा अल्लाह की तरफ से कोई नुमाइंदा आएगा अल्लाह का मुन करदा कोई आएगा कि जो अल्लाह ही के इल्म से इस्तेफादा कर रहा हो और उसकी कल, उसकी कलाम को उसकी बातों को हम तक पहुंचा रहा हो अब जब ये बात हम समझ गए तो अब हम जरा सा ये इसके ऊपर भी रोशनी डाल दें कि नबी और नबूवत कहते किसे हैं नबी का माना क्या है अगर हम नबी के जो लिटरल मीनिंग है वो समझना चाहें तो नबी को अगर नबी का माना समझना चाह रहे हैं तो नबी लगत में अगर देखा जाए तो इसके दो हमको वो मिलते हैं रूट वर्ड्स जिसे कहा जाए या नबी जो है वो नबा से है या नबी जो है वो नबुव से है दो इसके जो है में रूट वर्ड्स मिलते हैं अगर नबी को हम नबा से लें नबा का मतलब न्यूज नबा का मतलब पैगाम बहुत बड़ी खबर तो अगर हम नबी यानी नबा से ले रहे हैं तो इसका मतलब बहुत बड़ी और अहम खबर लाने वाला कोई ऐसा कि जो बहुत अहम खबर लेकर आया हो और अगर हम आ, न, आ, नबी को नबुव से ले रहे हैं जिस हम कहते हैं नबुवत नबुवत नबुव से निकला है तो नबुव यानी दर हकीकत बुलंद बुलंद होने को अजीम होने को और अगर हम नबी यानी नबुवत से समझें तो उसका माना ये निकलेगा बहुत अजीम मकाम और मनसब वाला कोई ऐसा कि जो बहुत ही ज्यादा बड़ा मकाम रखता हो नबूवत इसीलिए बहुत अजीम मकाम को कहा गया है तो ये उसके लिटरल मीनिंग्स हो गए इस्तलाह में भी देखिए इसको क्या कहते हैं मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं इसको आप इसको लिख लीजिएगा नबी को इस्तलाह में कहते हैं क्या नबी वो है जिस पर खुदा की तरफ से वही नाजिल होती है और वो लोगों की हिदायत के लिए खुदा की तरफ से मबूस किया जाता है यानी खुदांद आलम की तरफ से वो भेजा जाता है ताकि वो लोगों की हिदायत कर सके और उनको कमाल तक पहुंचा सके उनको उनको स तक पहुंचा सके जो दीन की तारीफ हमने की थी अपने पहले चैप्टर्स में उसी से मिलती जुलती और मुशाह तारीफ ये भी है सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पर नबी के ऊपर ज्यादा जो है वो जूम किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि नबी कोई मामूली शख्स नहीं है नबी वो है कि जिसका राबता होता है खुदा वंदे आलम से, और वही रता बरकरार कर सकता है कि जो बुलंद मकाम वाला हो जो बुलंद मंजिलत मन, वाला हो जो इंसान कामिल हो जो हर खसूसियात से कमाल रखता हो तकवे में इल में इसमत में इंशाला सब शराय हम बयान करेंगे और वाह रखता हो वही भी जो है वो एक अहम यहाँ इस डेफिनेशन में एक अहम अंसुर और एक अहम किरदार अदा कर रही है ये लफ्ज वही वही यानी वो दर हकीकत उस दरियाफ्त को कहते हैं उस पे, इलाही पैगाम को हासिल करने को कहते हैं इसकी कई कैफियतें हैं उसमें हमें नहीं जाना है लेकिन असल माना यह है वाह का वाह दर वाला है वाओ, है ये है, जिसे कहते हैं रेवलेशन अब ये जो वही है जो हम जो नाजिल हो रही है और जो रहा बरकरार कर रही है खुदा और बंदे के दरमियान वो वही जो है जिसपे नाजिल हो रही है उसको हम नबी कहते हैं कि जो नबा को और एक बड़ी खबर को दरियाफ्त करता है बड़े मकाम और मंजिलत वाला होता है अब एक अहम सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि हम नबी को पहचाने कैसे कौन सा ऐसा रास्ता है कौन या कौन से ऐसे रास्ते हैं कि भाई हम ये समझ गए हम जरूरत तो समझ गए कि भाई हमें नबी की जरूरत है लेकिन अब हम ये कैसे पहचाने कि इन तमाम लोगों के दरमियान जो है ये हमारा नबी है हमें इसी को फॉलो करना है मैंने शुरू में बयान किया था कि हम जो है वो नबी की जो गुफ्तु है वो आम गुफ्तु बयान करेंगे ना खास गुफ्तु किसी खास नबी के बारे में नहीं बयान कर रहे हैं लेकिन ये जरूर बयान करना चाह रहे हैं कि हम एक खास नबी को एक खास ज़माने में कैसे पहचाने और उसकी तशीस हम कैसे दें कि कैसे हमें पता चले कि यही वो नबी है कि जिसकी बताए हुए रास्तों पर हमें चलना है और हमें यकीन आ जाए कि ये वही पैगाम पहुंचा रहा है जो अल्लाह सुबहान तब के लिए भेजा है देखिए इसको भी आप लिख लीजिएगा वैसे तो बहुत सारे रस, रास्ते हैं लेकिन तीन अहम रास्तों को मैं आपके सामने गिनवा दूं पहला रास्ता यह है कि हम उस शख्स की जिंदगी का मतलब करें कि जिसके बारे में हम समझ रहे हैं कि यह हमारा नबी है हम उसको देखें कि उसकी जिंदगी कैसी है वाकई नमूने अमल बनने के लायक है या नहीं है यानी वो इस लायक है उसका किरदार उसकी शख्सियत कि वो ये कहा जा सके कि यह हमारा रहनुमा बन सकता है ये इलाही नुमाइंदा है ये बहुत अच्छा तरीका है वाकई हम किसी के लिए भी अगर कोई इंसान जो है वो कहीं रिश्ता लेकर जाता है शादी करना चाहता है तो हम यही तो करते हैं कि भाई हम चार लोगों से पूछते हैं ये अपनी सोसाइटी में किस तरह रहते हैं ये अपने दोस्तों के साथ किस तरह उठते बैठते हैं यही तरीका है इंसान के किरदार को पहचानने का दूसरों की गवाहियों से और रिश्तेदारों से और लोगों से कि भई हम ये समझ सकें कि भाई ये साहब कैसे हैं लिहाजा उसकी जिंदगी का मुताया करें और एक और अहम चीज ये है जिंदगी के मुताले में कि हम उसके पैगाम को देखें वो क्या पैगाम हम तक लेकर आया है वो जब ये कह रहा है कि तुम्हारे खालि ने तुमसे ये कहा है तो हम वाक देखें कि आया ये जो हमसे कहा जा रहा है कि हमारे खालक ने हमसे ये कहा है तो क्या वाकया ये चीज कही है और ये इस लायक है कि हम इसको एक मुताली तालीम समझें एक बहुत अजीम बात समझें ये, ये एक बेहतरीन रास्ता है कि हम कम से कम सुनें तो कि वो कहना क्या चाहता है हमसे कि वो उसका मैसेज क्या है उस प्रॉफिट का मैसेज हम तक इंसानों के लिए क्या वो पहुंचाना चाह रहा है या मिसाल के तौर पर हम ये देख सकते हैं कि वो हमें अखबार गैबी के बारे में बता रहा है उसकी जो तालीमत हैं वो इस वो इस दुनिया से थोड़ा हट के हैं वो जो बातें कर रहा है वो नॉर्मल और मामूली इंसानों वाली बातें नहीं हैं वो जो बातें कर रहा है वो आम, आम तौर पर जिनको हम बहुत पढ़ा लिखा समझते हैं उनसे भी बहुत ज्यादा बड़ी बातें वो बयान कर रहा है तो ये तमाम चीजें जो है इंसान की जिंदगी का मुता किया जाए और उसकी जो है लाइफ को देखा जाए तो हम समझ सकते हैं ये एक रास्ता है कि हम किस तरह नबी को पहचान दूसरा अहम रास्ता यह है कि अगर आप समझना चाहते हैं कि हम ये हमारा नबी है यह प्रॉफिट है यह नहीं है तो हम मुआजे के जरिए यह समझ सकते हैं जब वो नबी मुआजा दिखाएगा तो हमें यह समझ में आ जाएगा कि यह हमारा नबी है अलबत्जा यानी क्या मुआजा यानी मेरिकल जिसे कहा जाए मुजिजा यानी वो आ, आलम तबीयत से हट कर कोई ऐसा काम ऐसा काम कि जो मामूलन लोग अंजाम देने से कासिर हों, अंजाम ना दे सकते हो और जब वो ये काम करे और जब मुजिजा दिखाए तो उसके अंदर चैलेंज हो वो ये कहे कि क्या तुम ये कर सकते हो या नहीं कर सकते हो ये चैलेंज उसके अंदर होना चाहिए और इस चैलेंज के जिसे कहते हैं तहदी यानी वो ये कहे डराए और ये चैलेंज मुबारज तलबी जिसे कहा जाता है कि अगर तुम भी सच्चे हो तो ये करके दिखाओ लेकिन दूसरे इंसान और दूसरे उस जमाने के लोग जो हैं वो कभी ये काम ना कर सकते हो मोजे की शनाख्त तो और तरीका ये है पहचानने का और उसके साथ ये भी हो कि वो ये दावा भी कर रहा हो कि मैं नबी हूँ, मैं इसलिए तुमको ये खारकदा और माफोक तबियत चीज जो है वो दिखा रहा हूँ एक मोजिजा एक ऐसी चीज लिहाजा हम मोजे देखते हैं कि जनाब मूसा का जो है असा वो सांप बन गया हाँ सपेरों ने अपनी सांप को अपनी रस्सी को सांप जरूर बनाया था लेकिन मोजा हकीकी वो है कि जब जनाब मूसा का जो मोजा था जो असा बना सांप अजदहा बना तो वो फोकियत रखता था तमाम दीगर जादूगरों के ऊपर या मिसाल के तौर पर बहुत सारे दीगर ऐसे मुआजात जिसके अंदर हमें ये नजर आता है कि दूसरे लोग उस जमाने में जितने बड़े भी जादूगर हों जितने बड़े भी जो है वो अः काम और करिश्मे कर सकते हों वो इस तरीके का मुजदा नहीं कर पा करके दिखा सकते लिहाजा फर्क है करिश्मा और जादू और मोजिजा एक मुकदस मफह है तीसरी अहम तीसरा अहम रास्ता जो हम बताना चाहेंगे आपके लिए और ये भी इसको बयान करते हैं बहुत ताक़द के साथ कि अगर ये देखना हो कि ये नबी है नहीं है तो उससे पहले वाले नबी के आप जिंदगी को पढ़िए और देखिए क्या उसने कोई खबर दी है निशानियां बयान की हैं नहीं की हैं तो माकबल जो नबी था उसकी गवाही भी एक नबी के नबूवत को साबित करने के लिए और पहचानने के लिए बहुत कारगर साबित होती है और ये बताती है हमको कि ये जो है नबी है लिहाजा अक्सर तमाम अंबिया ने अपने आने वाले कुरान बहुत सारी ऐसी भी आयात हैं कि जिसपे दलालत कर रही है वाज तौर पर कि उन्होंने अपने बाद आने वाले नबी की जो है वो बशारत दी है अब यहाँ पे एक सवाल ये भी आप बयान कर सकते हैं और जहन में आ सकता है और एक अहम सवाल है कि हमें अम्बिया की बेसत की जरूरत क्या है क्यों जो है अम्बिया जो है मबूस किए जा रहे हैं क्यों वो भेजे जा रहे हैं वो किस काम के लिए आ रहे हैं क्या चीज ऐसी नहीं थी जो अब हमें वो मिल जाएगी अलबत्त शुरू में तारीफ में इसको इशारतन बयान कर दिया गया है एक अहम जरूरत इंसान की ये है कि इंसान मैंने अर्ज़ किया था मदनीय तब है इंसान सोसाइटी में जिंदगी बसर करना चाहता है इंसान की सोसाइटी एक बहुत ही अहम किरदार निभाती है इंसान के डेवलपमेंट में इंसान के कमाल में इंसान की तरक्की में इस वक्त जितनी भी तरक्यां दुनिया में हो रही हैं वो इस वजह से नहीं है कि इंसान अकेले कोने बैठा है बल्कि इस वजह से है कि इंसान एक दूसरे के तजुर्बे से इस्तीफा कर रहा है एक दूसरे की के आलूम से इस्तीफादा कर रहा है वरना एक इंसान की जिंदगी इतनी महदूद है कि वो तमाम चीजें बयान नहीं कर सकता लिहाजा इंसान अगर ये दे अगर अगर ऐसा ही होता कि इंसान इजतम में और सोशल लाइफ से कट कर एक जिंदगी बसर करे तो इंसान अभी भी उस सर हजर और स्टोन एज में ही होता कोई तरक्की ना हो पाती कोई अगर कनेक्शन ना होता लोगों के दरमियान हमको मालूम नहीं होता फुलान साइंटिस्ट ने कितनी तरक्की की हम उसके आगे की बातें करें अगर हम ये देख रहे हैं आज के इंसान जो है वो चांद पे चला गया है तो कितने हजारों दानिशमंदों की ये मेहनत और कोशिशों का है अगर हम ये नहीं कह सकते ये एक आदमी ने बैठा मंसूबा बनाया और रॉकेट बनाया और लॉन्च किया और चले गए नहीं ऐसा नहीं है बल्कि कितने ऐसे लोग थे सब ने शाना बशाना होकर सब ने जोड़कर अपने सर और एक फिक्र निकाली हाँ किसी ने कोई आइडिया दिया किसी ने कोई आइडिया दिया लिहाजा आइडियाज को हम मंसूब कर सकते हैं कि यह फिक्र पहली दफा उन्होंने पेश की लेकिन एक साइंस और एक जिसे कहा जाए बे, बेहतरीन तरक्की की जो राह है वो फर्दी नहीं है वो कई लोगों से मिलकर एक इज्तम की सूरत में वजूद में आती है लिहाजा अगर हम ये देख रहे हैं कि हमारे हमारे दरमियान एक बेहतरीन कल्चर डेवलप हो रहा है तो वो क्या एक आदमी से डेवलप हो रहा है नहीं बल्कि इजतमा की सूरत में है वो अगर एक बेहतरीन सिविलाइजेशन एक तमद्दन हमारे दरमियान जो है आ, हमारे सामने आ रहा है बेहतरीन तरक्की याफ्ता तमद्दन तो वो किसी एक फर्द की मेहनत या कोशिश नहीं है बल्कि वो तमाम लोगों की साथ में बैठकर एक दूसरे के साथ रवादारी करके एक दूसरे के तजुबों से इस्तेफादा करके एक दूसरे की मालूम से इस्तेफादा करके तुम इतना काम कर लो तुम इसके आगे का काम करो यही तरीका होता है और इस तरीके से इंसान तरक्की करता है यह है सोसाइटी की जरूरत अब जब इंसान सोसाइटी में जिंदगी बसर कर रहा है और एक दूसरे के तजुबों से इस्तीफा कर रहा है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तामल कर रहा है तो यकीनन एक दूसरे के साथ जो हमारे तनाजआत हैं जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट्स हैं जो हमारे मफादात आपस में टकरा रहे हैं तो यकीनन इतनी सारी खूबियों के साथ हमारे जामे और सोसाइटी में अजतम में एक सोशल लाइफ में कुछ कमियां भी हैं उन कमियों को दूर करने के लिए कानून की जरूरत है आप तो करिए इस नफते की तरफ बहुत मजेदार और लतीफ बात है ये कि इंसान को अजतमा में और कई दफा इस बात को बयान कर चुके हैं हर दफा एक नई अल्फाज में नई तोजी के साथ कि हम अपनी इस अजतमाही जिंदगी में ड्यूटीज और हकूक हमारी राइट्स और हमारी ड्यूटीज हमारे हकूक और हमारे वजायफ हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं इसको हमें समझना पड़ेगा और ये अगर अलग अलग बयान नहीं हुई तो हमारे दरमियान हमेशा लड़ाई झगड़ा रहेगा अगर हमें ये नहीं मालूम कि हमारे हकूक क्या हैं हमारी राइट्स क्या हैं और हमें अगर ये नहीं मालूम कि हमारी ड्यूटीज क्या हैं और हमारे वजायफ हमारी जिम्मेदारियां क्या है तो हमेशा जो है वो लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहेगा लेकिन अगर कोई आके हमें यह बता दे कि तुम्हारी ये ड्यूटी है और तुम्हारी ये ड्यूटी है और तुम्हारा 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 हक ये है और तुम्हारी राइट्स फुला हैं, तो इंसान की जिंदगी के जो लड़ाइयाँ हैं कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो खत्म हो जाएंगे और एक और अहम बात कि जब ये कानून आ रहा हो और ये कानून बनाया जा रहा हो तो जरूरी है कि हम एक सवाल करें कि कौन अब ये कानून हमें ला देगा कौन हमें यह कानून बताए कि हमारी इतनी बड़ी बड़ी मुश्किल जो है हल हो जाए कौन आके हमको यह बताएगा फिर हमारी अक्ल इसी बात को तस्लीम करती है कि यकीनन वो के जो इंसान के मिजाज से बखूबी वाकिफ हो वो के जो इंसान के तमाम फितरी तकों को जानता हो वो देखिये मैं आपको एक बात बताता चलो मिसाल के तौर तो पर अगर गाड़ी खराब होने की मैंने मिसाल दी मैंने मोबाइल खराब होने की मिसाल दी तो हमने यही तो कहा कि आप मैन्युफैक्चरर के पास जाइए आप जिसने उस चीज को बनाया है उससे पूछिए चूंकि जो चीज बनाने वाला है वो उसके एक एक, एक जुज से वाकिफ है लिहाजा अब वो एक एक जुज से वाकिफ है लिहाजा अब बेहतरीन हमारे सामने तोजीह है और मिसालें हैं कि जिसके जरिए हम ये समझ सकें कि खुदा वंदेलम हमें जब ये कानून भेज रहा है और वो बेनवा हमारा खालिक हमको ये कानून दे रहा है और वो हमसे ज्यादा हमारे बारे में हमको जानता है तो यकीनन वो हमारा कानून वो हमारी भलाई ज्यादा समझ सकता है वो हमको ज्यादा अच्छी तरह बता सकता है कि तुम्हें इस रास्ते पर चलना है उस रास्ते से नहीं रास्ते पर नहीं चलना है क्योंकि उसी ने तो हमारे गरीजे ख्वाहिशा डिजायर इमोशन सेंटिमेंट तमाम चीजों का जो है वही तो खालिक है वही तो देने वाला है लिहाजा वो ही आ, बेहतरीन तरीके से ये जानता है कि हमें किस तरह जिंदगी बसर करना है और हम इस नतीजे पहुंच जाते हैं कि वो होगा जो कानून हमको देगा वो होगा जो हमारा खालिक होगा लिहाजा हम मुतवज हैं और मुंतजर हैं कि एक आए इंसान कामिल हमारे खालिक की तरफ से और हमको आकर एक कानून की तौर पर हमको जिंदगी बसर करने का आ, कानून दे कर जाए हिदायत का आ, कानून दे और ये कानून इसके ना दो खसूसियात बहुत जरूरी हैं ये कानून जो हमको दे तो इसके अंदर जरूरी है कि वो कानून इम्प्लीमेंट होने के काबिल हो यानी इजरा के काबिल हो यानी उसको लागू किया जा सके कानून ऐसा ना हो कि हमारी कुदरत से बाहर हो या इजरा ना किया जा सके ऐसा ना हो बल्कि ऐसा हो कि जो काबिल इजरा हो उसको इजरा किया जा सके इम्पलिम ऑफ फितरी हो ताकि हर एक उसको कबूल कर सके हर जमाने में हर मकान में उसको कबूल किया जा सके परवरदिगार आलम सूरह मुल्क में आयत नंबर चौदह में अरशाद फरमा रहा है कि अला याबीर कितनी खूबसूरत आया तो और हमारी ये जो आज की गुफ्तु है उसके ऊपर जो है हरफ आखिर यही है खुदा खुद ये सवाल पेश कर रहा है कि क्या वो नहीं जानेगा कि जो खुद खलक कर रहा है यानी जो खुद खलक कर रहा है वही तो बेहतरीन जानने वाला है जबकि वह होवल लकीफुल्खबीर और हमारा जो खालि है वो लतीफुल खबीर है बहुत बारीक बीन और हर चीज का जानने वाला है लिहाजा हम अपना कानून उन रसूलों से लेंगे उन अंबिया से लेंगे और जरूरत महसूस करते हैं कि जो खुदा वंदे आलम की तरफ से आए हों और आकर हमको कानून दे रहे हों तो पहला अहम पहली अहम जरूरत जो पूरी करते हैं अम्बिया के वो है कानून गुजारी दूसरी अहम जरूरत जो है वो तालीम और तरबियत है कि आर अंबिया हमको रहने सहने का तरीका सिखाते हैं हमको बहुत सारी ऐसी चीजें बताते हैं कि जो हमको नहीं मालूम बहुत सारी ऐसी चीजें कश करते हैं कि जो हम हम गाफिल थे इंसान गाफिल था बहुत सारे ऐसे लॉज उन्होंने आके बता दिए प्रॉफिट्स ने कि जो हमको इससे पहले नहीं मालूम थे हमारी अखलाक रोशद और तकामुल के लिए वो आते हैं हम हमारी तरबियत करते हैं और तरबियत के लिए एक अहम नुकता ये होता है कि हम कम से कम हमारे सामने लॉज तो हैं लेकिन प्रैक्टिकल आइडियल भी कोई होना चाहिए नमूने अमल कोई होना चाहिए लिहाजा ये जरूरत भी तरबियत के हवाले से अंबिया पूरी करते हैं कि वो अमल करके दिखाते हैं कि ये काबिल इजरा है ये इम्प्लीमेंट होने के लायक है वो उन्हीं कवानीन के तहत अपनी जिंदगी बसर करके हमें दिखाते हैं हमारे लिए नमूने अमल बनते हैं और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो अलमा बयान करते हैं आखिरी चीज के इख्तलाफ को दूर करते हैं ये जो अंबिया हमारे लिए आते हैं कुरान मजीद में सूर्य बकरा में दो सौ टू हंड्रेड एंड आयत जो है उसमें हो रहा है कि किताब। बिलहक यानी खुदा बंदे आलम यह कह रहा है कि जो हमने जो उम्मत को बनाया जो इंसान थे ये उम्मत वाहिदा की तरह थे एक वाहिद कम्युनिटी एक उम्मत की तरह रहते थे और अब जब ये लोग रह रहे थे तो खुदा आलम ने कुछ अंबिया को मबूस किया ये अंबिया कौन थे ये बशारत देने वाले थे ये डराने वाले थे और हमने उनके साथ किताब को नाजिल किया एक बुक को भेजा है बिलहक ले कुमन्ना से फी मख्तलफू ताकि वो हुक्म कर सकें अदालत कर बरकरार कर सकें कजावत कर सकें और लड़ाई झगड़े को दूर कर सकें लिहाजा एक इंपॉर्टेंट और पहलू है वो ये कि हमारे दरमियान जितने भी इख्लाफा होते हैं अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी नतीजे ही पर नहीं पहुंच सकते हमें ऐसा लगता है कि ये पार्टी भी सही कह रही हो यह पार्टी भी सही कह रही है लिहाजा एक जज की जरूरत होती है एक हाकिम की जरूरत होती है इसलिए खुदा ने फरमाया ले या हुन बैन के वो लोगों के दरमियान हक के साथ कजावत कर सके और लोगों को बता सके क्योंकि इंसान के मिजाज अलग अलग हैं इंसान की तबियतें अलग अलग हैं और हर इंसान अपनी तबियत के हिसाब से अपना काम करना चाहता है तो बारह लाख का खुलासा ये हुआ कि अम्बिया की ज़रूरत हमें इसलिए है कि अम्बिया आकर यह चार पांच चीजें कानून गुजारी तालीम तरबियत और इख्लाफा का दूर करना हमको बता सके और हम किन तरीकों से जो है अम्बिया को पहचाने उसके लिए मैंने आपको तीन रास्ते बताए थे कि हम उसकी जिंदगी का मुताह करें हमारे सामने अगर उसका कोई मुजिजा आ रहा है तो उसके जरिए और अगर उससे पहले जो नबी था उसने बशारत दी हो इनशा परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि इन मुकद्दस एयाम के सदक़े में खुदा वंद आलम इनशा तम सबको अपने नबी को और अपने अम्बिया की को पहचानने की तोफीक अता फरमाए और हमारे जो नबी हैं खतमी मरतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल वसलम उनकी मारफ़त हम सबको अता फरमाए आखर उदावान